फ्रूट भी, फ्लावर भी, ब्रांचेस भी, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है इसकी, बहुत ही प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव हैं। फ्लावरिंग बड से लेके जब बडिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक फ्लावरिंग ओपन तक मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दे दी। और छोटे छोटे प्लांट्स थे लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट बनाया था सीडलिंग का, सीडलिंग करने के बाद मैंने इनको ज़मीन में शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट करने से लेकर अब तक जो भी इनके साथ मैंने किया वो मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। वीडियो लेंथी हो गई होगी लेकिन कोई मसला नहीं है, सारी देख लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है इसमें, क्योंकि ये कोई रिसर्च मैंने आपसे शेयर नहीं की। 6 माह में मैंने जो भी अपने प्लांट के साथ किया रोज़ैली के, वो मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर कर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल, और आज की मेरी वीडियो है रोज़ैली हर्ब के ऊपर। अर्ली समर में मैंने रोज़ैली हर्ब के सीड्स लगाए थे और आपको मुकम्मल गाइड किया था वीडियो बना के कि इसको सीड से किस तरह ग्रो करना है और इसकी क्या केयर है, मुकम्मल गाइड किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लें। रोज़ैली समर का प्लांट है, गर्म इलाकों का प्लांट है, सर्द इलाकों में ये ग्रो नहीं करेगा। इसको मैंने समर में ग्रो किया था और अभी जो है विंटर स्टार्ट होने वाला है। आज अक्टूबर की 11 तारीख है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर चुका है। रोज़ैली को पहली बार लगाया है मैंने और जब से इसको लगाया है मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब इसकी फ्लावरिंग देखने को मिले, इस पर फ्लावर्स लगें। और रोज़ैली को लगे हुए 5 से 6 माह हो चुके हैं, इस पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था कि शायद ये पाकिस्तान में ग्रो नहीं करेंगे, पाकिस्तान में फ़्लावरिंग नहीं करेंगे। ग्रो तो बहुत अच्छे कर गए हैं ये, लेकिन मुझे शक था कि शायद ये फ़्लावरिंग नहीं करेंगे, या फिर सीड वाले जो प्लांट्स हैं वो 2 साल बाद फ्लावरिंग करते हैं। इसको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है तो मेरा अंदाज़ा था कि ये कटिंग से ग्रो होने के बाद जल्दी फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ लगने वाले गर्मियों वाले जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स वो लेट फ्लावरिंग करते हैं, चाहे वो फ्रूट वाले हैं या फ्लावर्स वाले हैं, वो लेट फ्लावरिंग करते हैं। मतलब कि आपने स्प्रिंग में या फिर समर में प्लांट्स लगाए थे तो वो विंटर के स्टार्ट में जाके फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल यही हाल रोज़ैली का है। अमूमन जो समर के प्लांट्स हैं वो लगाने के बाद, अर्ली समर में लगाएं या फिर स्प्रिंग में लगाएं, लगाने के तकरीबन 2 से 3 माह के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रोज़ैली को लगे हुए 5 से 6 माह हो चुके हैं। इतना ज़्यादा टाइम होने की वजह से, और आगे सर्दियां शुरू होने वाली हैं, सर्दियों में ये मर जाएंगे, तो दूसरी ये वजह है कि मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। बल्कि मैंने तो मेहनत की है तो मैं तो इसका हिसाब लगा रहा था कि इसको ग्रीन हाउस इसके ऊपर बना दूँ, शॉपर वगैरह से कवर कर दूँ ताकि ये सर्दियों में बच जाएँ, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला देख लें, इसकी ये रेड ब्रांच है, यानी कि ये सुरख रंग के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे ये आप चेक कर लें जी, इस जगह पे ये देख लें, ये है जी इसका फ्लावर। ये अभी बहुत छोटा है, नज़र नहीं आ रहा होगा सही तरह से, और पत्तों के अंदर, टहनियों के अंदर छुपा है। जब ये मज़ीद थोड़ा और बड़ा होगा और ब्रांच की जो लंबाई है वो बढ़ेगी तब ये वाजिया होकर सामने आएगा, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा फिर भी। और ये देख लें इसका जो टॉप एरिया है, ये सारा फ्लावर से भरा हुआ है, और ये जितनी भी नीचे ब्रांचेज हैं सभी के ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। ये देख लें, ये एक प्लांट है, अभी आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। ये देख लें जी, ये है इसका बेस, और यहाँ से इसको मैंने प्रोन किया था और ये 2 ब्रांचेज निकली हैं इसकी, और ये आगे मज़ीद ये देख लें बहुत सारी ब्रांचेज बनी हुई हैं, ये एक, ये वाली दूसरी, ये वाली तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, और ये आगे से यहाँ से एक लंबी ब्रांच जा रही है, और ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस तरह ये बहुत सारी ब्रांचेज बनी हैं और हर एक के ऊपर फ्लावर लगेंगे, हर ब्रांच के ऊपर हर पत्ते के साथ फ्लावर लगेंगे। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें कि ये एक प्लांट ही कितना बुशी है और इसी के ऊपर कितने ज़्यादा फ्लावर लग जाएंगे। ये जो 2 ब्रांचेज मेन आ रही हैं ये एक ही प्लांट की हैं, ये देख लें,
फ़िलहाल तो आपको अपने मैं प्लांट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसको उगाने का तरीका वगैरह जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन 6 माह के अंदर वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप सही वक्त पे इसको लगाएं और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। ये मैंने क्यारियाँ बनाई हुई थी यहाँ पर, ये देख लें, और इसकी मल्चिंग की हुई है। ये एक क्यारी में एक लाइन बनाई है, ऊपर ये देख लें, एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट और वो तीसरा प्लांट सब्ज़ वाला, सफ़ेद होगा या फिर ग्रीन होगा या येलो होगा। तो 3 प्लांट्स लगाए हैं एक लाइन में, उसके बाद दूसरी लाइन उसमें भी 3 प्लांट्स इस तरह लगे हुए हैं मेरे पास। और इनको सपोर्ट के लिए ये देख लें, यहाँ पर एक स्टिक यूज़ की है और साथ में इसको स्टिक के ऊपर रखा हुआ है, बांधा नहीं है मैंने, वैसे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि काफ़ी सारी स्टिक्स लगी हैं तो एक दूसरे के साथ ये मिल गए हैं, इधर उधर गिरने नहीं वाले। साइड्स में जो ब्रांचेज हैं वो गिरने का ख़तरा है, उनको मैं सेट कर दूंगा। 2 तरह के प्लांट्स लगे हैं, एक तो ये रेड वाले हैं और इसका जो फ्लावर है वो भी रेड ही निकल रहा है, यानी कि ये सुरख रंग का फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, ये देख लें। और ये वाला जो है ग्रीन है मेरे पास, यहाँ पर ये देख लें, ये नज़र आ गया होगा आपको, ये ग्रीन वाला फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, एक थोड़ा वाजिया है वो आपको मैं दिखाता हूँ इस प्लांट के ऊपर, ये देख लें जी, ये देख लें जी, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फ्लावर यहाँ पे निकल रहा है। और ये वाला जो प्लांट है वो भी देख लें, कि नीचे से तो मेन एक ही ब्रांच आ रही है, उसके बाद आगे बहुत सारी ब्रांचेज बनी हैं, ये देख लें, बहुत ही बुशी प्लांट है। तो आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जितने भी इसके ऊपर लीव्स हैं ये सभी के सभी फ़्लावर हैं, क्योंकि हर लीव के साथ एक फ़्लावर बनेगा और आगे मज़ीद लीव्स निकल रहे हैं, ब्रांचेज बन रही हैं, वो सारी की सारी फ्लावरिंग पर आएंगी। कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं, ये एंड पे देख लें, कुछ छोटे प्लांट्स हैं ये देख लें, और इसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है अगर इसकी ग्रोथ मज़ीद बढ़ गई, ये बेहतर हो गई, तो इस पर भी फ़्लावर्स लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, ये आगे चल के पता चलेगा। और एक है जी ये छोटा प्लांट, बहुत ही छोटा प्लांट है, और इसको ये देख लें, मालाबार स्पिनच ने घेर लिया है, ये देख लें मालाबार स्पिनच के फ़्लावर, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि ये मसला क्रिएट करेगा। ये देख लें जी, यहाँ पर आपको इसका भी मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा प्लांट है, मेरा नहीं ख्याल कि 1 फीट से ज़्यादा होगा, 1 फीट का प्लांट है और इसके ऊपर भी फ्लावर्स आ चुके हैं, ये देख लें जी, नज़र आ गया होगा आपको यहाँ पे, अभी फ़िलहाल ये आधा ग्रीन है आधा रेड हो चुका है, जब ये थोड़ा मज़ीद बड़ा होगा ये सारा का सारा रेड हो जाएगा। तो पहली बात, प्लांट का छोटा बड़ा होना मैटर नहीं करता, कि प्लांट का साइज़ छोटा रह गया इस वजह से ये फ्लावरिंग पर नहीं आया, या प्लांट बड़ा हो गया इस वजह से फ्लावरिंग पर आ गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्लांट छोटे बड़े का कोई मसला नहीं है, मसला है टाइम का। इसका टाइम है अक्टूबर में फ्लावरिंग का, विंटर के स्टार्ट में, तो ये विंटर के स्टार्ट में ही फ्लावरिंग करेगा, चाहे आप इसको बहार में लगा दें, चाहे आप इसको अर्ली समर लगा दें, चाहे मिड समर लगा दें, चाहे लेट समर लगा दें, ये छोटा सा प्लांट ही फ्लावरिंग पर आ जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एक छोटा प्लांट है, इसके ऊपर कम फ्लावर्स लगेंगे, और जो आगे सामने आपको मैंने दिखाए कितने कितने बड़े प्लांट्स हैं 4-4 फीट के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे, तो ये फ़र्क रहेगा बस, बाकी फ्लावरिंग ये करेंगे। लेकिन ये छोटे वाला जो है ये पॉट में भी फ्लावरिंग कर सकता है, यानी कि अगर आप लेट समर या फिर मिड समर में लगा दें इनके सीड्स, तो ये छोटे से प्लांट ही पॉट्स में फ्लावरिंग कर देंगे, आपको फ्लावर और फ्रूट देखने को मिल जाएगा। इनको मैंने तो बहुत जल्द लगा दिया था अपनी रिसर्च के मुताबिक, लेकिन इसके ऊपर अभी मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस हो गया, इंशाल्लाह अगली बार मैं लेट लगा के देखूंगा। और चूंकि मैंने ज़मीन में लगाए हैं इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, इनका जो साइज़ है इस टाइम डबल होना था, उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ, ये छोटे क्यों रह गए, हालाँकि 4 फीट है लेकिन फिर भी इससे भी डबल साइज़ होना था। इसको मैंने लगाया हुआ है फुल सन में, यह फुल सन बर्दाश्त नहीं करते, पार्शियल शेड में लगाएँगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे,
मैंने इनको लगाया था फुल सन में। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से सूरज निकलता है और इस टाइम पे यहाँ है, लेकिन फ़िलहाल तो है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो यहाँ से सूरज निकल रहा है। गर्मियों में जब मैंने लगाए थे यहाँ से सूरज निकल रहा था और ये सारा दिन होते हुए यहाँ पे ग्रूब होता था, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें ये सारा दिन ये धूप में है यहाँ पर, तो हर टाइम इनके ऊपर धूप पड़ती थी। अगर इस तरह की आपकी लोकेशन है तो ऊपर इसके ग्रीन नेट लगा दें, लेकिन मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया था और इनकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये चलेंगे प्लांट्स। इनके पत्ते पीले पड़ के गिरना शुरू हो चुके थे, इस तरह के काफ़ी सारे मामलात, लेकिन खैर ये चल गए प्लांट्स। इनकी पहले मैंने मल्चिंग की थी, ये देख लें अभी तो काफ़ी हैवी मल्चिंग की हुई है मैंने, सिर्फ पत्ते डाले थे मैंने मल्चिंग करते टाइम जब गर्मियां स्टार्ट हुई थी मिड समर में, उस टाइम पे प्लांट्स को मल्चिंग की ज़रूरत होती है, तो मैंने मल्चिंग की थी और वीडियो भी बनाई थी, उसके बेनिफिट्स भी बताए थे और तरीका बताया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लें। उस टाइम पे मैंने सिर्फ पत्तों की दी थी, पत्तों का ये है कि वो खाद भी बन जाएँगे। तो उसके बाद बारिशें वगैरह हुई काफ़ी सारी, पत्ते जो हैं बह गए पानी में, इनको ओपन ही छोड़ दिया और इसकी ग्रोथ बेहतर हो गई थी मूनसून के मौसम में। काफ़ी हद तक स्प्रिंग से ले कर मूनसून तक इसकी जो ग्रोथ है वो 6-7 इंच से ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ इतने ही प्लांट्स थे क्योंकि उनकी ग्रोथ बढ़ी नहीं रही थी गर्मी की वजह से। और जब मूनसून की बारिशें हुई, टेम्परेचर में कमी आई और इनको पानी मिला बारिशों का, तो बहुत ही ये अंधाधुंध ग्रोथ करना स्टार्ट कर गए और ये आप देख सकते हैं। और मूनसून जब ख़त्म हुआ उस टाइम पर भी इसकी ग्रोथ जो अभी चल रही है इससे आधी थी। मूनसून के बाद अभी यह कुछ ही दिनों में तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर अंदर इनकी ग्रोथ डबल हो चुकी है, यानी कि अगर आप मिड समर में या लेट समर में भी लगाएं तो मूनसून में ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। मैंने स्प्रिंग में लगाए थे, स्प्रिंग से समर और अर्ली समर मिड समर तक जो है मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। उस टाइम तक इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ ही नहीं रही थी, 6-7 इंच के प्लांट्स थे, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी पहले लगाने का। तो अगले साल जो है मैं इंशाल्लाह लेट ही लगाऊँगा, इसकी सीडलिंग लेट करूँगा। और लेट लगाने से इनके साथ क्या हुआ, ग्रो हुए नहीं हुए, फ्लावरिंग हुई, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इनके फ्लावरिंग का टाइम लेट ही है अक्टूबर में, अगले साल तक तो 15 दिन का मज़ीद फ़र्क आ जाएगा। तो अभी 11 अक्टूबर है, अगले साल तक उम्मीद है कि ये 25 अक्टूबर तक जाके फ्लावरिंग करेंगे। ये सब बातें तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह खैर करे जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। और मल्चिंग पर बात हो रही थी, जब मूनसून की बारिशें शुरू हुई तो उसके बाद इनकी मल्चिंग ख़त्म कर दी मैंने, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका था तो मुझे उम्मीद थी कि अभी ये चल जाएंगी और इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब दोबारा टेम्परेचर बढ़ा बारिशों के बाद तो इनकी ग्रोथ फिर से रुक गई, फिर से पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए थे, तो काफ़ी टेंशन पड़ गई थी मुझे उस टाइम पर, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर चुका था मैं, काफ़ी टाइम दे चुका था और उसके बाद अगर मेरे प्लांट्स मर जाते तो मसला बन जाना था, अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ना था। तो मैंने हैवी मल्चिंग कर दी, नीचे बहुत सारा घास लिया क्योंकि मूनसून में काफ़ी सारा घास उग जाता है, तो मैंने वही घास लेके इसकी मल्चिंग कर दी, काफ़ी हैवी मल्चिंग। ये आप देख सकते हैं ये सारी मल्चिंग है और यहाँ पे ये देख लें ज़मीन है, लैंड ये इसका बेस है और ये सारी मल्चिंग है। तो अभी जो है नीचे से काफ़ी ज़मीन ठंडी है, नीचे से इसको ठंडक मिलती रहे तो प्लांट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, तो इस वजह से इसकी मैंने हैवी मल्चिंग कर दी थी। अभी जो है मेरे पास आप कह लें 20-22 प्लांट्स लगे हैं रोज़ैली के और वो सारे के सारे ही फ्लावरिंग पर हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। छोटे प्लांट्स पर कम फ्लावर्स लगेंगे, बड़ों पर ज़्यादा लगेंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक और, ये देख लें जी काफ़ी बड़े साइज़ का इसका जो है फ्लावर लगा है, बड़ा हो चुका है काफ़ी। ये देख लें ये है इसका फ्लावर, नज़र आ रहा होगा आपको, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, अभी ये वाजह नज़र आ रहा होगा। ये भी ग्रीन है, अभी ऊपर से इसके जो रेशे हैं वो रेड हैं और मेरा ख्याल है ये फ़र्क होगा इसमें, क्योंकि इसकी ब्रांच भी इसी तरह है, रेड और ग्रीन मिक्स है, तो ये कलर कोई और होगा, मुकम्मल रेड नहीं होगा, इसमें फ़र्क होगा शायद। बाकी जब ये खिलेंगे तो पता चल ही जाएगा, कोई मसला नहीं। और इसके अलावा आपको और दिखाता हूँ मैं अपने प्लांट्स रोज़ैली के, ये मैंने शेड में लगाए थे क्योंकि गर्मी की वजह से मेरे प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो इनको मैंने शेड में लगा दिया था 3 प्लांट्स को। और शेड में इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ी, बहुत ही लंबे हो गए प्लांट्स। और ये वाले जो हैं जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जो मुझे
निशानियां मिली थी कि फ्लावरिंग होना स्टार्ट होने वाली है, वो निशानियां इसमें हैं अभी। इस प्लांट में वो निशानियां हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी जो ऊपर से ग्रोथ है ना, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी तो ये काफ़ी मोटा होना स्टार्ट हो गया था आम रूटीन की निस्बत। जिस तरह आम लीव्स वगैरह निकलते हैं प्लांट की ग्रोथ होती है, उससे ज़रा हट के ये ग्रो कर रहा था, काफ़ी मोटा होना स्टार्ट हो गया था। तो सारे ही प्लांट्स इसी तरह हो रहे थे और ये भी इसी तरह है शेड में। चलें ये भी पता चल जाएगा शेड में ये फ्लावरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त चली इनकी, कोई मसला नहीं आया इनको, और बहुत ही लंबे प्लांट्स ये हो चुके हैं लेकिन ज़्यादा बुशी नहीं बने। बाकी लंबाई इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है। एक ये प्लांट है, एक इसके पीछे ये वाला है। पानी की कमी की वजह से ये देख लें इसके लीव्स वगैरह, पानी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं दिया था और अचानक देखा आके तो ये मुरझा रहा था, तो अभी कल के परसों ही पानी दिया है और ऊपर से इसकी ग्रोथ बेहतर हो चुकी है। ये देख लें लीव्स नए निकल रहे हैं, बाकी भी सेट हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा प्लांट है, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये देख लें, हाँ ये देख लें, इसके ऊपर फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं जी। शेड में भी ये फ्लावरिंग करेगा, इसको सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप मिलती है शाम के टाइम की, सुबह के टाइम की धूप भी नहीं मिलती इनको, और उसके बावजूद ये देख लें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये हैं जी मेरे रोज़ेली के प्लांट्स, आगे इनके साथ क्या हुआ। ये वाले तो फ्लावर इंशाल्लाह खिलेंगे बहुत जल्द, और धूप में जो लगे हैं और जो शेड में लगे हैं उनके साथ क्या बना इंशाल्लाह, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्लावर्स खिलेंगे, उसके बाद इसका जो फ्रूट बनेगा इंशाल्लाह वो भी हार्वेस्ट करेंगे, और ये सारा एक ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, इसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाऊँगा। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है इसको। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आज 5 सितंबर है, और रोज़ेली की कंडीशन क्या है वो अभी आपको मैं डिटेल के साथ बताने लगा हूँ। ये चेक कर लें, बहुत ज़्यादा फ्रूट इसके ऊपर लग गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इसकी। ये देख लें जी, ये रेड वाला फ्लावर है, रेड फ्रूट, रेड रोज़ेली, ये देख लें, और इसका फ्लावर भी खिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख लें जी, यहाँ पे चेक कर लें रोज़ेली का फ्लावर, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा फ्लावर है इसका। और ये अंदर से चेक कर लें, ये अभी मुकम्मल खिला नहीं है, दोपहर तक खिल जाएगा, अभी सुबह के 11 बजे हैं, 2-3 बजे तक ये इंशाल्लाह खिल जाएगा। और ये साथ में लगा है, ये भी फ्लावरिंग बड है, ये भी खिला नहीं है मुकम्मल, और इसके फ्लावर में से खुशबू नहीं आ रही, और ये कलर चेंजिंग फ्लावर है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले दूसरी वैरायटी दिखा लूँ आपको, ये चेक कर लें, फ्लावर बर्ड्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सारे प्लांट्स भर चुके हैं फ्लावरिंग से। ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये सारे भरे हुए हैं इस टाइम फ्लावरिंग से। और ये देख लें, ये दूसरी वाली वैरायटी है येलो, इसका फ्लावर देख लें जी, ये है जी येलो का फ्लावर। इसके अंदर देख लें स्टिग्मास भी येलो हैं, और ये देख लें जी साइड से, और ये इसका फ्रूट बनेगा, ये देख लें ये भी येलो है। और नीचे एक फ्लावर है ये वाला, ये खिल के ख़त्म हो चुका है, कल खिला था आज ये ख़त्म हो गया, अभी दोबारा खिलेगा, इसके अंदर सीड पॉड बन जाएगा और ये फ्रूट बन जाएगा आगे। और मज़ीद आपको दिखाता हूँ, ये देख लें जी रेड के फ्लावर्स, बहुत ही ख़ूबसूरत हैं इसके फ्लावर्स। ये वाला खिल चुका है 2 दिन पहले का, ये देख लें, ये अभी मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्रूट बनने लग जाएगा, ये चेक कर लें। और ये अभी आज ही खिला है, मुकम्मल नहीं खिला अभी तक, और ये कलर चेंजिंग फ्लावर है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लें, ऊपर भी खिला हुआ है फ्लावर, ये देख लें इस तरह, पहले ये ऑफ वाइट क्रीम कलर का फ्लावर होता है जब पहली बार खिलता है, और उसके बाद ये देख लें जी, यहाँ पे चेक कर लें, ये खिलने के बाद बंद हो चुका है। 3 दिन पहले ये फ़्लावर खिला था और सबसे पहले यही खिला था,
खिलने के बाद ये बंद हो गया, और जब दोबारा अगले दिन खिला तो इस कलर का था, पिंक कलर का। ये देख लें, एक ही ब्रांच है, ये इसका फ्लावरिंग बड है, और ये फ्लावर पहली मरतबा खिला है, और ये एक मरतबा बंद होने के बाद दोबारा खिल रहा है। तो इसका जो कलर है पिंक है, कलर चेंजिंग फ्लावर भी है ये। और दूसरी ब्रांच पर भी देख लें वही चीज़, ये और कलर है, ये वाला और कलर है। ये चिड़िया ने हमला किया हुआ है यहाँ पे, चिड़िया ख़राब कर रही हैं फ्रूट को। और ये देख लें जी, ये खिल के मुकम्मल बंद हो चुका है फ़्लावर इसका। ये देख लें आगे से ख़राब हो रहा है, मतलब कि ये फ्रूट बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसमें अंदर सीड पॉड बन रहा होगा। ये तो हो गई दो वैराइटीज़। ये चेक कर लें कितनी लंबी ब्रांच है, ये तकरीबन 6-6.5 फीट की ब्रांच हो चुकी है, ये देख लें। और भरा हुआ है इसके ऊपर फ्रूट, जो भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, नीचे से निकली हुई थी, आगे तो मज़ीद अभी नहीं निकल रही, सभी के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, ये देख लें यहाँ तक। और आगे भी ये देख लें, मज़ीद बढ़ती जा रही है और फ्रूट भी इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये चेक कर लें। और आपको दिखा दूं, एक छोटा सा प्लांट है यहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ रुक गई थी, प्लांट्स आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो उनकी मल्चिंग वगैरह की, तो उसके बाद ये काफ़ी बेहतर ग्रोथ होगी, लेकिन इसके ऊपर गर्मी का असर ख़त्म नहीं हुआ। और ये देख लें, ये पिद्दी सा प्लांट रह गया है, तकरीबन 1 फीट भी पूरा नहीं होगा, छोटा सा प्लांट है, और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही। ये देख लें यहाँ से, शायद आपको नज़र आ रहा हो ये वाली बड़ निकल रही है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये कोई मुख्तलिफ वैरायटी है या फिर वैसे ही गर्मी वगैरह का असर है कोई। ये फ्लावरिंग बड़ निकल रही है, ऊपर से इसका टॉप जो है वो रेड है, बाकी नीचे येलो है, लाइट ग्रीन। और एक ये है छोटा प्लांट, ये देख लें, ये इसका बेस है, ये दो ब्रांचेज हैं मेन, और ये इसकी हाइट है बस, तकरीबन 2.5-3 फीट होगी, 2.5 फीट। और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो गई है, यानी कि प्लांट का साइज़ मैटर नहीं करता कि साइज़ छोटा है, बड़ा है, मचोर है या नहीं है, फ्लावरिंग ये करेगा लेकिन अपने टाइम पे आके, यानी कि सर्दियों के स्टार्ट में, अक्टूबर के एंड में और नवंबर में जाके अपने फ्लावर्स ओपन कर देगा। ये देख लें, जो छोटे वाला प्लांट है उसका आपको फ्रूट दिखा दूँ मैं, ये देख लें फ्लावर बर्ड्स हैं फ़िलहाल तो, फ्रूट नहीं है। और ये भी देख लें जी, ये छोटी सी ब्रांच है, छोटा सा प्लांट है, और इसके ऊपर भी जितना लग सकता था हर पत्ते के साथ फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये देख लें जी, जितने भी मेरे प्लांट्स लगे हैं बेशुमार, इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। एक और रेड वाली वैरायटी, और इसका भी देख लें आप, ये माशाल्लाह कितना प्यारा फ्लावर है, ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव है इसका कलर। और ये वाला है दूसरा, ये भी चेक कर लें, और दोनों का कलर भी देख लें अगेन, कलर में भी फ़र्क है, ये देख लें। जितने भी है रेड वाली वैरायटी, सभी के फ्लावर्स का कलर चेंज हो रहा है, जो पहली बार खिलता है उसका ये कलर है, उसके बाद ये वाला कलर है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक और छोटा प्लांट, ये देख लें, इसकी भी हाइट 1 फीट होगी, और इसके ऊपर भी फ्लावर्स लग रहे हैं, ये भी डिफरेंट चीज़ है, हो सकता है ये कोई मुख्तलिफ वैरायटी हो, ये देख लें। वाइट वाले भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं, येलो वाले और रेड वाले भी, रेड वाले ज़्यादा मकदार में हैं और उनके ऊपर फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगा है, और येलो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगा है, ये आप चेक कर लें, येलो तकरीबन 4-5 प्लांट हैं येलो के, और 1-2 है मुख्तलिफ वैरायटी, बाकी जो है तकरीबन 17-18 प्लांट्स हैं वो सारे के सारे रेड हैं। तीसरी वैरायटी आपको दिखाता हूँ, दो तो दिखा दी मैंने, येलो और रेड, और ये है जी तीसरी वैरायटी, तीन वैरायटीज़ मेरे पास निकली हैं, ये चेक कर लें जी तीसरी वैरायटी, इसके फ्लावर्स में फ़र्क है, एक मुकम्मल येलो है, एक मुकम्मल रेड है,
और एक ये वाला है कलर, ये मुख्तलिफ़ कलर है इसका, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ये तीन कलर मिक्स हैं इसके और डॉटेड है, अंदर डॉट्स हैं, इस तरह का इसका कलर है। ये चेक कर लें, बड़े वाला आपको दिखाता हूँ, ये देख लें जी, बड़े वाला फ्रूट ग्रीन ऑरेंज, और ये इसके नीचे वाले जो पेटल्स हैं ये रेड हैं। और एक और प्लांट है, बल्कि सेम प्लांट है, उसी की ये दूसरी ब्रांच आ रही है इतनी दूर, ये देख लें जी, और ये देख लें, तो लें जी ये है रोज़ैली की कंडीशन। इस टाइम पे मेरे पास बेशुमार फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये फ्लावर भी खिल रहा है, ये भी देख लें अंदर से, और एक ये है अभी ओपन नहीं हुआ, तो दोस्तों ये देख लें, ये है मेरे रोज़ैली के प्लांट्स, बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा है इनके ऊपर मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा, और अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले इसको मैंने फर्टिलाइज़र भी दिया है। फ़्लावर्स इसके बन चुके थे, बड्स बन चुकी थी, लेकिन फ़्लावर्स ओपन नहीं हो रहे थे, काफ़ी स्लो ग्रोथ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने इनको बोन मील फर्टिलाइज़र दिया सभी प्लांट्स को, और अभी तक मैंने मल्चिंग ख़त्म नहीं की है, मल्चिंग वैसे ही है, मल्चिंग हटा के फर्टिलाइज़र दे के उसके बाद मैंने पानी लगा दिया और दोबारा इनको मल्च कर दिया था। अभी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सर्दियों में ये मर जाएंगे, और कुछ का कहना है कि सर्दियों में ये बच जाएंगे, पत्ते अपने छोड़ देंगे और बहार में दोबारा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो भी है इनको अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने दूंगा, देखूंगा अगर तो इनको कोई मसला हुआ, इनके पत्ते वगैरह गिरना स्टार्ट हुए इस तरह का कोई मामला, तो इसको मैं शॉपर से कवर कर दूँगा, ग्रीन हाउस बना दूँगा इसका, लेकिन खैर वो तो बाद का मामला है, फ़िलहाल तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहा है, फ़्लावर्स इसके ओपन हो रहे हैं, फ्रूट भी, फ्लावर भी, ब्रांचेस भी, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है इसकी, बहुत ही प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव हैं, और इनको बर्ड्स का मसला आ रहा है, बर्ड्स इनको खा रही हैं, तो अभी मैं देखूंगा कुछ दिन तक, अगर तो इन्होंने ज़्यादा हमला किया तो इसको मैं कवर कर दूँगा जाली वगैरह लगा कर। फ्लावरिंग बड से लेके जब बडिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक फ़्लावरिंग ओपन तक मुकम्मल डिटेल मैंने आपको दे दी, और छोटे छोटे प्लांट्स थे लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट बनाया था सीडलिंग का, सीडलिंग करने के बाद मैंने इनको ज़मीन में शिफ्ट कर दिया था, शिफ्ट करने से लेकर अब तक जो भी इनके साथ मैंने किया वो मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया, वीडियो लेंथी हो गई होगी लेकिन कोई मसला नहीं है, सारी देख लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है इसमें, क्योंकि ये कोई रिसर्च मैंने आपसे शेयर नहीं की, छः माह में मैंने जो भी अपने प्लांट के साथ किया रोज़ैली के वो मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर कर दी, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया, और भी बहुत सारे दोस्त हज़रात हैं जिन्होंने रोज़ैली लगाया था, मुझसे सीड लिए थे, और ज़्यादातर ने यही कहा कि हमारे सीड जर्मिनेट नहीं हुए, जिनके हो गए उनके प्लांट पे फ्रूटिंग नहीं आई, प्लांट्स को मसला रहा, तो उन सभी के लिए ये आपके सामने है, फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है इंशाल्लाह, बाहर में इसकी कटिंग भी लगाएंगे और सीड से भी दोबारा ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी तो इसका एक्सपीरियंस हो चुका है सीड से ग्रो करने का, तो इंशाल्लाह जब अगली बार इसको ग्रो करेंगे सीड से तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी और मुकम्मल गाइड करूँगा आपको मैं, और कटिंग इसकी पहली बार लगानी है वो इंशाल्लाह बाहर में लगाएँगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, मुकम्मल डिटेल तो मैं आपको दे चुका हूँ सारी रोज़ैली के ऊपर, अभी इंशाल्लाह इसका तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा, फ्रूट बनने से लेके सीड बनने तक और फ्रूट हार्वेस्टिंग तक सारा मुकम्मल पार्ट आपके साथ बना के शेयर करूंगा, तीसरा पार्ट होगा वो। वैसे आपको बता दूं कि ये फ़्लावर है पहले दिन का, जब ये दो तीन दिन बाद होगा इस तरह होगा, और चार पाँच दिन बाद इस तरह आगे से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देख लें, और ये जो है यहाँ पे ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है यही इसका फ्रूट है, जब ये ख़त्म होगा इसके अंदर सीड पॉड बनना स्टार्ट हो जाएगा और यही बंद हो के फ्रूट बन जाएगा और दोबारा खिलना स्टार्ट हो जाएगा जब इसके अंदर सीड पॉड बन जाएगा। फ्लावर बड भी सेम है जिस तरह का फ्रूट बनेगा,
लेकिन ये खिलने के बाद इस तरह का होगा और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फ्रूट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा, अगर इसको अभी हार्वेस्ट कर लेंगे, अभी इसको तोड़ लेंगे, तो ये वो टेस्ट नहीं देगा आपको जो एक पका हुआ देगा फ्रूट, और साइज़ भी आपको वो नहीं मिलेगा। ये चेक कर लें, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है और ये मज़ीद बड़ा होगा जब ये फ़्लावर ख़त्म होगा, सीड पॉड बनना स्टार्ट होगा। ये मोटा भी हो जाएगा और काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, अभी से इस साइज़ से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा जब ये फ्रूट बनाएगा और सीड पॉड बनाना स्टार्ट करेगा, उस टाइम से मैं दूसरा पार्ट इसका बनाना स्टार्ट कर दूँगा। और ये आपको दिखा दूँ मैं, ये देख लें, इसका फ़्लावर बाहर आ चुका है, फ़्लावर इसका बाहर आ रहा है, और वो देख लें जी, ये तो मैंने अभी आपको दिखा दिया वीडियो में, इसी पार्ट में ये देख लें अंदर। आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि सही तरह से ये खिला नहीं है और जो सीड पॉड है वो बड़ा नहीं हुआ अभी। ये चेक कर लें जी, ये है जी इसका फ्रूट, और ये फ्लावर था जो ख़त्म हो चुका है, इसका काम ख़त्म हो गया। ये देख लें, अचानक से हाथ लगा है और थोड़ा सा फ़्लावर हिला, तो मुझे लगा जैसे ये बाहर को आ रहा है, तो मैंने खींच लिया। इसको अंदर से देखते हैं क्या चीज़ है, ये देख लें जी, अंदर इसके वही स्टिग्मास, पोलन ग्रेन्स और ये फ़्लावर का बाकी हिस्सा। खुशबू नहीं है इसकी, हल्की हल्की सी इसकी खुशबू आ रही है, कड़वी कड़वी सी। लें जी, फ्रूट भी आपको दिखा दिया इसका, यही फ्रूट है इसका, और अंदर इसके बड भी बन रही है, लेकिन अभी इसको मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसने बंद होना है। बंद होने के बाद ये दोबारा ओपन होगा जब इसके अंदर सीड पॉड बड़ा होगा, तब इसका साइज़ भी बड़ा होगा और इसमें रस भी भर जाएगा, तब ये खाने के काबिल होगा सही। तो दोस्तों, रोज़ैली के ऊपर मैंने आपको मुकम्मल डिटेल दे दी, उम्मीद है आपको रोज़ैली के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।